नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर जंगी आजादी की स्मृतियों को खास मौकों पर चर्चा करने वाली स्वाधीनता सेनानी पंडित शिवनारायण लाल शर्मा बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो में करो या मरो के आवाहन पर आजादी की लड़ाई में कूद पड़ने वाले शहर के मोहल्ला आलम निवासी पंडित शिवनारायण लाल शर्मा ने 1942 में शहर के तत्कालीन मोतीबाग में हुए गोलीकांड का वह खौफनाक मंजर भी देखा था जिसमें अंग्रेज सैन को द्वारा चलाई गई गोलियों से सैकड़ों शरीर छलनी हो गए थे और मोतीबाग की जमीन खून से लाल हो गई थी तभी से मोतीबाग का नाम लालबाग पड़ गया था आजादी की इस जंग को पंडित सूर्यनान लाल शर्मा ने न की देखा बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित शिवनारायण लाल शर्मा का अंतिम संस्कार गोपाल घाट पर राजकीय सम्मान के साथ आर्य पद्धत से किया गया अंतिम यात्रा में ड्रम बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई पुलिस के जवानों ने सलामी दी अंतिम संस्कार में शामिल हुए उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए आई इंडिया को बताया हमारे तहसील के ये अंतिम स्वतंत्रता संग्राम से सेना रहे हैं जिनका रात में निधन हो गया है उस समय में सूचना मिलते ही हम और तहसीलदार साहब जो शासकीय धनराश होती है उसको तत्काल उनके परिवार को समाप्त कराया गया है और तिरंगा अर्पण किया है इसके साथ में माल्यार्पण करते तहसील और शासन प्रशासन की तरफ भाव श्रद्धांजलि अर्पित की गई है तहसीलदार गानिन दुबेदी शहर कोतवाल टीपी सिंह पूर्व एमएलसी एल हरीश वाजपेयी पूर्व विधायक रमेश राही कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद विनीत दीक्षित डी चेयरमैन सत्य प्रकाश मिश्रा अरुणेश मिश्रा आशीष चौधरी अनिल कुमार जीवेश चाहनी सुशील वाजपेयी सहित कई गणमान्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी अट्ठानबे वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित शिव नारायण लाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के जिलाध्यक्ष थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आशितों से संबंधित जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तो उसमें उनकी भागीदारी प्रमुख रूप से रहती थी स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस के मौकों पर वो प्रशासनिक कार्यक्रमों में सदैव बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे सीतापुर में आजादी के आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार रहे पंडित शिव लाल शर्मा से हाँ इंडिया ने अंतिम खास बातचीत की चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उन स्मृतियों को साझा करने के लिए सत्ता आंदोलन में जो था हम लोगों को देश के प्रति करो या मरो नारा गांधी जी ने दिया था बॉम्बे के अंदर अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी का आह्वान था करो या मरो इस आह्वान के ऊपर वैसे तो हम बचपन से ही इसके मुझे थे कि हमारे पिताजी भी जेल आती थे सन तैंतीस चौंतीस में गए थे जेल और वो खून हमें वो भी था और दूसरा ये आंदोलन जब दिया तो हम अपने जोश खरोश के साथ इसमें छुट गए हमने बहुत कुछ किया है देश के प्रति स्कूलों में बच्चों को रोक जाने से रोकना उन लोगों को प्रोत्साहित करना करो एमरो के आंदोलन को गांधी जी का आह्वान है आप लोग तैयार हो देश के लिए मरमटने के लिए तैयार हो तभी आज़ादी मिलेगी आज़ादी सुखी चीज़ नहीं है इसे बहुत आदमी ने बलिदान दिए हैं कि इत्य आदि फांसी में लटके हैं और क्या गांधी जी का बहुत शांति प्रिय आंदोलन था करोड़ों का इसमें आप लोग मैदान में उतरे और डेट का मुकाबला करें हम लोगों ने वही किया हर स्कूलों में जा जा कर बच्चों को पैरों पर प्रोप्रिय देना समझाना भैया ये आज का जमाना है अब आज़ादी का गांधी जी ने आह्वान किया है तो आप लोग तैयार हो जुटो इसके साथ देश आज़ाद होगा हम हाँ लोग खुशहाल होंगे आज तो गुलामी जजीर से जकड़े हुए हैं इसका तो पकड़ के बंद करना मारना पीटना फांसी चढ़ाना इनका काम है देश की कोई भी खुशहाली नहीं थी उसके आज़ादी के बाद बहुत अच्छे दिन भी थे आज़ादी हमको मिली आज़ादी का सुख होगा आज़ादी में अच्छे तरीके से लोग कार्य करते रहे ईमानदारी सच्चाई का जुमाना था अब तो बहुत कुछ है मकारी बीमानी सब बढ़ गई पहले कुछ नहीं था बहुत शांतिपूर्वक ढंग से देश चल रहा था बड़े आराम से बीत रहा था ये तो पार्टियाँ बनकर इतनी पार्टियाँ बन गई कि जो देखो तो अपना झंडा उठाया और आंदोलन कूद रहा है तभी तो नहीं था ये कांग्रेस थी एक ज्यादातर तो यही थे कम्युनिस्ट भी थे थे और भी थे जब आपका समाजवादी नहीं थे और देश चला आगे और आगे बढ़ते गए आज हमने इतने वर्ष जी जीता है अब हमारे मोदी जी का जमाना है मोदी जी की शासन चल रहा है ये भी अच्छा शासन है बहुत कुछ करते हैं अच्छाई बुराई के लिए समझाते हैं लोगों को और प्रोत्साहित करते हैं मगर इसका क्या नतीजा निकलता है समझ में नहीं आता है नतीजा जो है करते कुछ हैं अधिकारी लोग कुछ करते हैं कोई भी इसकी सुनवाई विशेष नहीं है आज स्वता परिवार के लिए कुछ नहीं किया है कि स्वंता सनी परिवार मर गए उत्तराधिकारी जो थे और जो थी अब बच्चे लोग रह गए हैं उनमें कैसे जागृति पैदा की जाए कैसे हुकूम पैदा किया जाए कि उसी तरीके जोश करो साथ उठें और मैदान में तैयार हो लड़ने के लिए और क्या कहा तो ये बताइए कि आज़ादी के लोक आंदोलन का प्रतिफल थी आज़ादी जो है सालों से लोक आंदोलन का प्रतिफल थी फिर आपातकाल क्या था आपने आपातकाल देखा संघर्ष किया जेल भी गए आपातकाल का फैसला कितना गलत था क्या लोकतंत्र में आपातकाल कभी भी सही ठहराया जा सकता है? हम तो उसका यही कहेंगे आपातकाल हमारे ज़माने में अच्छा ही नहीं थे उसमें जितना आपातकाल के अंदर एमरजेंसी लगाई थी बहुत अच्छी चीज थी कोई बुरा नहीं था लोग चाहे रुपया किसी वक्त लेके जा खुले आम जा को रहा कोई पूछने वाला नहीं था गाड़ियाँ हाँ समय से चलती थी दुकानें समय से खुलती थी हर चीज़ का समय बना हुआ था आपातकाल में हाँ कुछ जातियाँ हुई हैं आपातकाल में नजबंदी की जातियाँ हुई हैं नजबंदी कारण से बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को भी नसंदी करा दी गई जबरदस्ती की गई वो ख़राब काम हुआ उसकी वजह से ही ये शासन पलटा है वरना संदेश बुरा नहीं था आपातकाल बहुत बढ़िया चीज़ थी, थी। इसमें रहते थे, थे कोई भी परेशानी परेशानी नहीं थी लोगों को समय से काम होते थे समय से रेल चलती थी समय से हर जगह अधिकारी अपने ऑफिस में पहुँचता था एक मिनट की देरी नहीं हो पाती थी अब वो बात नहीं रही अब तो स्वतंत्रता है जैसा जाओ या ना जाओ करो या ना करो कोई सहाल नहीं है इसका तो ये बताइए कि शर्मा जी वर्तमान परदेश कैसा है चढ़ाव देखते हैं या उतार अभी तो चढ़ाव है उतार तो नहीं है चढ़ाव में जो कहते हो वो कहते अगर कर, इस पर कार्य होता रहा कायदे से तो हो सकता अच्छा हो हमारे जो योगी जी या मोदी जी जो कहते हैं उसका कार्य कहते कुछ है होता नहीं है ये कमी है कहाँ से कमी है अधिकारी वर्ग काम नहीं करता है या क्या नहीं होता है क्यों लापरवाही होती है उनकी बात पर हम कह नहीं सकते उनको कहें भी कि हाँ हाँ कर देंगे करते हैं उसके बाद कुछ नहीं है जो पुरताह लो कि आखिरी बचा हुआ है मरेगा जिंदा रहेगा क्या होगा हम भी आखिरी से भी बैठे हुए अब हैं अब कई दिन क्या पता नहीं सन्तानवे वर्ष की उम्र कम नहीं होती हमारे साथ में तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री सी गुप्ता और आपके नरेंद्र तिवारी तो हमारे बहुत खास थे नरेंद्र तिवारी कोई ऐसा नहीं है सी गुप्ता जितने भी हैं मैं गवर्नर सरोजनी नायडू थी सबसे पहले मुलाकात हमने उनकी की थी जाकर उस भवन में गवर्नर हाउस में क्या क्या समरसता का भाव छूट रहा है क्या भाईचारा टूट रहा है भाईचारा बिल्कुल टूट गया कोई कोई भी आपसी में वो नहीं है कि भाईचारे की भावना खत्म हो गई पहले भाईचारे की भावना थी घर के अंदर एक कमाता था दस खाते थे अब दस कमाते हैं इसको तो भी लोग नहीं पड़ता हाँ इतना जरूर है फैशन बढ़ गया कपड़े लगते बढ़ गए कोई जमाना था कि दस मीटर कपड़ा मिलता था वो भी परमिट थे उसमें लोग गुजारा करते थे आज इतना कपड़ा ग्यारह दुकानें कपड़े खुली हुई हैं कोई कमी चीज़ की नहीं है मगर मन के अंदर सकून किसी को नहीं है सकून हो तो फिर समझाएगी कि हाँ सकून है आज इतनी दुकानें खुली हैं दिन में ड्रेस बदलता है पहले कोई हस्ता नहीं था अब तो वॉशिंग मशीन भी चाहिए फ्री भी चाहिए हर हर बढ़ गया खर्चा बढ़ गया अब खर्चा बढ़ा है तो लामाला बढ़ेगा अब फैसल बढ़ गया अब आमदनी तो वो सीमित है अब पहले एक कमाते दस खाते दस कमाते तो बुरा नहीं पड़ता अच्छा गणतंत्र दिवस के पवित्र दिन कोई संदेश गणतंत्र दिवस का ये हम तो यही कह रहे हैं लोगों से कि गणतंत्र दिवस हमारे साल में आता है दो ही तीन त्यौहार हैं एक छब्बीस जनवरी है एक गांधी जयंती है और ये गणतंत्र दिवस छब्बीस जनवरी आ रहा है पंद्रह अगस्त आ रहा है इसमें लोग सच्चाई ईमानदारी से कार्य करें और देश के प्रति जागरूक हों और अच्छे काम चलें बच नए प्रेमी को नई जूझ वूज मिले नए साधन मिले तो हो तो क्या कहा जाए अब कैसे मिलती है क्या मिलता है क्या कहते हैं कोई इसका रूपरेखा नहीं है कहते अखबारों में जरूर आता है और क्या होता है ये हम समझ नहीं पाए आज तक कहाँ पर नौकरी है कहाँ पर मिलता है क्यों वहाँ जाइए अप्लाई कीजिए फ्रा कीजिए तब ना कोई अप्लाई थी ना कोई इतना इंटरव्यू होता था गए नौकरी सरकार ने देख रहा है भाई लिया उन्होंने नौकरी की दे दिया आप दुनिया भर का इंटरव्यू दो पहले हज़ार दो हज़ार रुपया इंटरव्यू खर्च करो उसके बाद इंटरव्यू दो इंटरव्यू में फेल हो गए गए काम से हाँ ऐसे पुलिस उसमें भर्ती है पुलिस में भर्ती होती है वो भी बड़ा उसके साथ होती है तो किस कैसे समझा जाए कहाँ क्या नगुली होगी तो एकमात्र सीतापुर के लिए गौरवशाली हैं क्योंकि एकमात्र जीवित स्वतंत्रता संग्राम संग्राम सेनानियों में, में एक लौटे एक बच्चे हैं आप नौ सौ तिरसठ सीतापुर के नौ सौ तिरसठ के लिए हम बचे हैं और शायद मेरे ख्याल से बावन जिलों में मुश्किल दस पंद्रह आदमी बचे होंगे वरना कहीं भी किसी एग्जाम्पल कोई नहीं पचहत्तर तो जिले नहीं। हो गए हो चुके हैं हाँ पचहत्तर जिले तो मुश्किल है दस पंद्रह रा, पंद्रह आदमी बच्चे होंगे अगर पूरे ये उत्तर प्रदेश में देखा जाए बाकी सब विदा हो गए कोई बचा नहीं कोई तीन उम्र में पहुंचा ही नहीं होगा आपस में बात होती जो बच्चे लोग हैं उनसे कभी आपका बात होती है जो जीवित बच्चे हैं कोई कभी आते हैं सम्मेलन में आते थे हमारे इलाकेश जी बाबू छी का मनाते हैं साल में एक दफा अपने पिताजी के उसमें मनाते हैं बहुत सारी डायरी का इसमें आते ही लोग आते थे वो अब नहीं को, कोई नहीं आता है एक आते, एक आया और आते हैं गोंडा के बाकी कोई हमको दिखाई देता जहाँ लाल बाग पहले होता था बत्तीस तीस आदमी आते थे तो हमको भी शुक्र होता था हम इसके अध्यक्ष हैं लोगों को जागृति करें लोगों को सही बतावें और कई रास्ते पर चलें अब जब रहें किसको दें अब औरतें जरूर दस पंद्रह बच्ची होंगी वो भी दस पंद्रह दस जा कि जो उनकी आश्रित है उनको पेंशन पाती है बाकी आदमियों को बचा नहीं अच्छा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो अनुमन्य सेवाएं हैं वो आपको मिलती हैं हमें कुछ खाली पेंशन मिलती है उत्तर प्रदेश की पेंशन है वो भी हमने चार महीने जेल काटी थी लोगों ने तो दो महीने काटी जाल बना के भेज दिया बोले वो दिल्ली की भी आ गई हमने कहा हम नहीं करेंगे कोई काम हम इसको ही नहीं कर रहे थे कि हमको ये भी नहीं लेना क्या लेना रहे हैं सौ पचास सौ मिल जाएगा हमारा लड़का था विजय विजय शर्मा आपके जी जी उसने उस कागुजों को जोड़ा चप्पा चप्पा के रखा कहीं तुमको कर लेना है करना है तो उसके कारण से हमको फिर हमने की थी। आ गई हमें दिल्ली, दिल्ली भर दिया हमको ना हम हमको कैसे काम नहीं करेंगे जो नहीं है नियम के अनुसार वो हम नहीं करेंगे अपने हाथ से कुल सीतापुर में कितने थे संग्राम सेनानी नौ सौ तिरसठ थे सीतापुर तो में नौ सौ तिरसठ थे हम पहले कोषाध्यक्ष रहे हुए वहाँ के बाद अस्थि अध्यक्ष दे। थे और पंडित श्याम बयाली जगन बाबू सब प्रेसिडेंट रहे हैं तब तक एम आई आता था तो दो दिन का बाकायदा बड़ा धूमधाम से, से मनाया जाता था हर आदमी आता था खाने पीने का दो दिन इंतजाम करते थे एक दिन रहो खाओ रहो और दूसरे दिन मीटिंग करके जाओ अब का अकेले बच्चे क्या करें अब औरतें हैं नाम मार तो अध्यक्ष हैं अब कौन किसके पर अध्यक्ष कर भाई दस पाँच औरतें कभी आ गई आ गई वो भी आती पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी को लाल बाग बाद आ वो भी न होने के बराबर है आस्तित लोग बचे हैं ये पहुँचते हैं तो भी कोई नहीं इनके तो लिए पूछा जाए कि आस्तित हैं अरे नगर ना हमारे नाम न करोगा ना आने वाली पीढ़ी भी सोचो अब आने वाली पीढ़ी जो है अब आखिरी टाइम बेबी है हमारे बाद बेबी चले जाएंगे अब अधिकार तो दिया गया है दिया गया पोते तक दिया गया है और पोते का लड़की के लड़के को तक दिया गया है गवर्नमेंट ने दिया है कि इनको भी चिंता श्रेणी घोषती है मगर वो फार्म क्या सर खाएंगे हम मालूकों में कहीं जाओ उस फार्म लगा के नौकरी करते हो नहीं कहीं नहीं मिलना है कुछ नहीं क्या उसको बनाने से फायदा क्या हम चंदाश्रैली परिवार के लिए क्या निकला उस परिवार के तो सोच सरकार सोचना ये उसके परिवार के आदमी है तब इनके लिए कुछ करें इनको भी बढ़ाने की कोशिश करें कोई काल करो कर, कोई मदद दो नौकरी दो कोई काल करो कहा होता है ये तो आप जानते हाँ जी मैं मिला हम, हमारा उनका बहुत समाज के मंत्री भी था व्यापार मंडल में भी था और का प्रेसिडेंट था बहुत एक्टिव था बहुत ही मिलनसार और पकड़ लगा आदमी था उसके जाने वाले हम टूट गए फिर और किसी बच्चे की ताकत नहीं थी तो आपने देखा सीतापुर जनपद में नौ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से सिर्फ एक ही जीवित स्वतंत्रता संग्राम से हमने त्याग किया हमेशा आज कानपुर हमारा मकान था कानपुर में मकान था हमने कुछ नहीं लिया अपने माँ बाप का एक पैसा किन का लिया आपका किसी के नहीं लेंगे हम अपने हाथ की कमाई जो करेंगे अड़सठ वर्ष एक जगह नौकरी की हमने मुराल का बदस्त किया शंकर शिवशंकर अड़सठ वर्ष काम किया है सन तैंतालीस से और आप दो साल से नहीं जा रहे हैं दो तीन साल से अड़सठ वर्ष से जगह तीस तारीख में तो आज रिचार्ज हो जाता है हमने अड़सठ वर्ष एक काम का किया है और ईमानदारी सच्चाई से कभी एक पैसे का रवाज़ आ रही एक पैसा का आराम का हमने खाया हो हमेशा सच्चाई के रूप में चले और यही लोगों को पैसा देते थे हमारे सामने डरता था पैसा देते हुए अधिकारी को या किसी को मैं हमारे साथ कई नाम बदल लाए, इतना अंकुश सकते थे हम अब तो बगैर पैसे को धन ही नहीं है खुले आम लाम, अब सप्लाई ऑफिस से कहीं चले जाओ पहले नोट दो तो उसका कोटा मंजूर हो क्या पहले एक बेला नहीं था